यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशनड है 200D Mark II, बिकॉज कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये 250D के नाम से इंडिया में आएगा। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली EOS 200D Mark II, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो जो इंडिया में अभी मैं कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ओपन करते हैं इस बॉक्स को एंड लेट्स सी अंदर क्या क्या है। तो इससे पहले कि मैं बॉक्स ओपन करूँ, एज यू कैन रीड ओवर हियर, EOS 200D Mark II ये लेटेस्ट मॉडल है। 200D का एक अपग्रेडेशन है, काफ़ी नए फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एज यू कैन रीड ओवर हियर, 1855 एंड 55-250 ये जो बॉक्स है इसमें दो लेंथ साथ में आते हैं, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। एक अलग से बॉक्स आता है जिसमें सिर्फ 1855 mm एज ए किट लेंस भी आता है। यहाँ पे आप कुछ की फीचर्स यू कैन रीड ओवर हियर, 24.1 megapixel CMOS सेंसर, तो ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, APS-C सेंसर है इसके अंदर। एंड ISO की जो रेंज है इट गोज मैक्सिमम 25600 फोटोज़ में एंड वीडियोज़ में 12800 तक। देन यू हैव ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, स्पेशली अगर आप वीडियोज़ बनाते हो। देन एक जो नया फीचर इसमें ऐड हुआ है वो है 4K वीडियो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। वेरी एंगल LCD, टच स्क्रीन एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ, तो ये कुछ की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 5 FPS पे आप शूट कर सकते हो और जो ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं वो 9 ऑटो फोकस रहेंगे जब आप व्यू फाइंडर से देख रहे हैं, और लाइव व्यू में 3975 सेलेक्टेबल ऑटो फोकस आपको मिल जाएंगे। सो ये हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस जो ऑन बॉक्स मेंशनड है। अब बॉक्स ओपन करते हैं, लेट्स सी कि हमें अंदर क्या क्या मिलता है इस लेटेस्ट EOS 200D Mark II के बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड द मैनुअल। अगर आपने कभी पहले एक डिजिटल कैमरा यूज़ नहीं किया है ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप मिलता है जिसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। सो इफ़ यू बाय दिस कैमरा आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप भी रहेगी कैनन की तरफ से। सो इन द बॉक्स आपको एक 16GB का SanDisk का मेमोरी कार्ड भी मिलता है। ये है कैमरा की बैटरी जो LPE17 है, विच इज़ अ सेम एज कैनन 200D। तो इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ, जब हम कैमरा ऑन करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। और ये है आपका चार्जर जो साथ में ऑब्वियसली आएगा बिकॉज आपकी बैटरी आ रही है तो वो चार्ज करने के लिए। एंड दिस इज़ द केबल जो चार्जर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे सामने है तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बॉक्स के अंदर आपको मिलती हैं, वो हैं दो लेंसेज और एक कैमरा बॉडी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी ये कौन सा वाला लेंस है। सो फाइनली ये है सबसे पहला किट लेंस जो है 18-55, और ये वेरिएबल एपर्चर के साथ आता है जो आपको यहाँ पे मेंशन होंगी सारी डिटेल्स, f/4 to f/5.6 ISSTM लेंस है। सो ये सबसे पहला किट लेंस है जो आप मोस्टली लैंडस्केप फोटोग्राफी या इवन पोर्ट्रेट्स के लिए भी आप एज अ बिगिनर यूज़ करोगे। यहाँ पे आपका ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का स्विच है, एंड ओवर हियर यू हैव स्टेबलाइजेशन ऑन एंड ऑफ। तो इसमें IS इनबिल्ट लेंस में रहता है, स्पेशली अगर आपने मेरी रीसेंट इमेज स्टेबलाइजेशन की वीडियो देखी होगी वहाँ से आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो है, एज यू कैन सी ओवर हियर, तो ये एक कुछ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन लेंस का यहाँ पे कैनन ने किया है। पहले ये ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा रहती थी, अब इन्होंने अच्छा किया है कि बहुत जो ओपनिंग्स थे वो यहाँ पे बंद कर दिए, सो दैट डस्ट इतना ईजिली अंदर ना जाए और आपके लेंस का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद आई एम गेसिंग इसमें हमारा दूसरा लेंस है, उसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। सो ये हमारा दूसरा किट लेंस जो है 55-250 mm 55-250 mm, और इसका जो वेरिएबल एपर्चर रहेगा वो भी f/4 to f/5.6 है। इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें और STM लेंस है, तो ये एक काफ़ी यूज़फुल लेंस रहता है। मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया है ये लेने के लिए, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में या जहाँ पे आपको जूम इन ज़्यादा रेंज चाहिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, बिकॉज ये मैक्रो भी यूज़ हो जाता है और इमेज स्टेबलाइजेशन भी है इसके अंदर बिल्ट इन। एंड इस तरह से इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है, एंड सिमिलरली 1855 की तरह यहाँ पे भी ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का स्विच एंड IS के लिए ऑन एंड ऑफ का स्विच। तो ये एक लेंस काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप एक ऑल पर्पस लेंस देख रहे हो जो थोड़ा ज़्यादा फोकल लेंथ आपको प्रोवाइड करता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इस बॉक्स का,
जो है 200D Mark II का कैमरा बॉडी। सो एक बार मैं इस बॉक्स और इन सारी चीज़ों को साइड में कर देता हूँ, तब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो फाइनली ये है फर्स्ट लुक Canon EOS 200D Mark II का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंशनड है 200D Mark II, बिकॉज कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये 250D के नाम से इंडिया में आएगा, बट इंडिया में ये जो सेल होगा ये 200D Mark II के नाम से ही होगा। सो हियर्स द फाइनल प्रूफ। आगे से यू कैन सी इट इज़ क्वाइट लाइक जो आपका जैसे Canon 200D आता है उसी तरह का है आगे से ऑलमोस्ट लुक। एंड ऊपर की तरफ मेरे को ये कहीं ना कहीं EOS R की तरह लुक दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके मोड्स का डायल है, सो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको मैनुअल मोड चाहिए, एपर्चर प्रायोरिटी, सीन्स का मोड है और ऑटो मोड, तो इट डिपेंड्स आप कैसे शूट कर रहे हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस डायल का, इवन जो ऑन ऑफ, एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वीडियो के लिए अलग से स्विच है, सो यहाँ पे आप सीधा वीडियो पे जाके यू कैन स्विच टू द वीडियो मोड, और अगर आपको फोटोज क्लिक करने हैं सिंपली आप ऑन के मोड पे जाके स्टिल्स या फोटोज क्लिक कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ ISO के लिए डेडिकेटेड बटन है, डिस्प्ले के लिए बटन है, ये आपको एक व्हील मिलता है जहाँ से आप सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली ये जो है आपका शटर रिलीज बटन है जिससे आप फोटोज क्लिक करेंगे। सो राइट हैंड साइड में आपको HDMI आउट और USB पोर्ट मिल जाता है। एंड अगर मैं दूसरी तरफ देखूं यहाँ पे आप, एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप शटर रिलीज रिमोट या इंटरवलोमीटर यूज़ करना चाहते हो और माइक का ऑप्शन है, तो स्पेशली ये यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, वीडियो क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है जहाँ तक मेरे को अभी तक लग रहा है। पीछे की तरफ एक जो नया एडिशन Canon ने यहाँ पे करा है वो अगर आप क्लोजली देखोगे यहाँ बैक में पूरा टेक्सचर का लुक दिया है, जो आई थिंक अभी तक जितने मैंने कैमरा देखे उसमें ऐसा नहीं है, यूजुअली प्लेन रहता है, तो ये एक काफ़ी अच्छा लुक इस कैमरा को यहाँ पे दे रहा है। पीछे की तरफ काफ़ी बटन्स मिलते हैं स्पेशली मेन्यू एंड इन्फो के लिए लेफ्ट साइड में, बाकी सारे आपको ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड में बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डिलीट का, प्ले अगर आप फोटोज़ चेक करना चाह रहे हो, देन यू हैव क्यू जहाँ से आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन के बटन्स, एक्सपोजर कंपनसेशन का एक डेडिकेटेड बटन है, देन यहाँ पे आप फोकस पॉइंट्स और एक बटन है जहाँ से आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हो। यहाँ पे डेडिकेटेड बटन है अगर आप लाइव व्यू या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप देखोगे फ्लैश के लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है, बट एक अच्छा चीज़ जो Canon ने किया है वो है आप सीधा इसको मैनुअली कैमरा को अप या डाउन कर सकते हो, आपको इंडिकेटर आ जाएगा जब फ्लैश की रिक्वायरमेंट होगी, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, आपको कुछ बटन की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पॉप अप या पॉप डाउन करके इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस कैमरा का आपका थोड़ा बेसिक इंटरफेस दिखाता हूँ और जो थोड़े हाइलाइटिंग फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप मोड डायल की तरफ देखोगे, यहाँ पे एक आपको कुछ आइकन दिखेगा, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए। तो इस मोड में क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पे चूज़ फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अलग अलग और काफ़ी क्रिएटिव फिल्टर्स चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ग्रेनी ब्लैक एंड वाइट दिया है जहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट फोटो विद माइनर ग्रेन्स कर सकते हो, जैसे फिल्म कैमरा का इफेक्ट होता था। देन सॉफ्ट फोकस का ऑप्शन है, इवन आप फिश आई इफेक्ट भी विद इन दिस कैमरा बिना किसी एक्सटर्नल कुछ फिल्टर यूज़ करे आप कर सकते हो। वाटर पेंटिंग इफेक्ट, इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग इवन HDR मोड में काफ़ी वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो तो ये काफ़ी यूज़फुल मोड आपके लिए रहने वाला है, जहाँ पे आप सिंपली फिल्टर चूज़ कर सकते हो और इवन यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आप 2 पे रख सकते हो जो आइडियल रहेगा। देन आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप चूज़ करके यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट शूटिंग, और इवन अगर आपको बेसिक सेटिंग्स नहीं पता तब भी आप इस मोड को यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मोड यहाँ पे सीन मोड मिलता है जहाँ पे आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सीन मिल जाते हैं, स्टार्टिंग विद पोर्ट्रेट देन ग्रुप फोटो। ये काफ़ी यूज़फुल मोड है बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछते हुए देखा है कि ग्रुप फोटोज़ कैसे ली जाएँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेटिंग्स का इतना आइडिया नहीं है तो ये मोड काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। देन लैंडस्केप का ऑप्शन है आपके पास, एंड मैक्रो, और ऐसे काफ़ी यूज़फुल मोड्स हैं जिनको यूज़ करके आप शूट कर सकते हो, इवन अगर आपको एपर्चर शटर स्पीड और ISO का इतना आइडिया नहीं है। अब एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो 200D Mark II में किया है Canon ने वो है आई ऑटो फोकस। तो यहाँ मैं आई ऑटो फोकस एनेबल करके आपको इस मग में फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ बिकॉज अभी मेरे पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आई में ये फोकस कर रहा है।
तो ये पोर्ट्रेट्स में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, बिकॉज आप देखोगे अगर मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ तो भी वो उसको ट्रैक करता जा रहा है। तो ये आई पे फोकस रखेगा और काफ़ी ईजी रहेगा हमारे लिए जब हम पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं। अब एक और बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट जो कैनन ने यहाँ पे किया है वो है 4K पे शूट करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो 4K एट 25 FPS यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एंड 1080p पे 50 FPS और 25 FPS का ऑप्शन है। ये आप अगर फॉर्मेट चेंज करते हो तो आप 30 और 60 FPS पे भी शूट कर सकते हो। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो यहाँ वीडियो मोड में है वो है मूवी डिजिटल IS, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन कर सकते हो। थोड़ा सा क्रॉप यहाँ पे होगा बट स्टिल अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते हुए हल्का मेजर शेक आता है आपकी वीडियोस में तो इस मोड को यूज़ करके आप वो चीज़ एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर मैं यूज़र इंटरफेस की बात करूँ काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे हूँ, यहाँ पे अगर मैं अपर्चर चेंज करता हूँ आप देखोगे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्लर होगा यहाँ पे शार्प होगा। तो यहाँ पे ये अगर मेरे को, मैं एक ऐसा बिगिनर हूँ जहाँ मेरे को सेटिंग्स का इतना आइडिया नहीं है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए, सो दैट आपको आइडिया लगता रहेगा कि ब्लर इफेक्ट के लिए आपको स्मॉल एफ नंबर सेलेक्ट करना है। एक और अच्छी चीज़ इसमें मेरे को ये लगी, जो ये पूरा इंटरफेस है ये एकदम, मैं जो M50 में यूज़ करता हूँ इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, आई वुड से पूरा ही सेम है उसकी तरह। और यू कैन से ये एक DSLR वर्जन ऑफ M50 मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है। काफ़ी ईजी इंटरफेस है इसका, आप सारी सेटिंग्स इधर से ही, वाइट बैलेंस, फोकसिंग, इमेज फॉर्मेट, सारी चीज़ें आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो में, बाकी जो डिटेल रिव्यू रहेगा इस कैमरा का वो मैं इसको यूज़ करूँगा एक दो हफ्ते एंड उसके बाद ही शेयर करूँगा। सो डू वेट फॉर दैट वीडियो। हम मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।